शालोम आलेखीम मसीह में भाइयों बहनों को प्रभु यीशु में शांति हो। आज का जो हमारा वचन है वो है व्यवस्था विवरण उसका 32वां भाग उसकी 11वीं आयत, जिसमें कहते हैं, जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिला कर अपने बच्चों के ऊपर ऊपर मंडराता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया। जो बच्चे हैं वो तो इज़राइल की प्रजा है और जो उकाब है वो हमारे परमेश्वर का चित्रण करता है। यहाँ कहते हैं कि उकाब जो होता है वो अपने घोंसले को बार बार हिलाता है। जब उसके बच्चे उसके अंदर होते हैं तो उकाब अपने घोंसले को बार बार हिला के उसके बच्चे को नीचे गिरा देता है, और जैसे ही बच्चा गिरता है वैसे ही वो अपने परों को फैला कर उसके ऊपर बच्चे को ले लेता है और नीचे नहीं गिरने देता, और वापस से वो अपने घोंसले में उसको रख देता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो घोंसला है वो तो जगत है, और इसराइल की प्रजा के लिए जो मिस्र था वो भी जगत का प्रतीक है, जहाँ पे उनको सारी फैसिलिटी थी, उनको वहाँ पे बहुत अच्छा लगता था और उनको वहाँ से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता था। केवल वो लोग वहाँ पे गुलाम थे, उसी कारण से वो लोग वहाँ से निकलना चाहते थे। बाकी उनको सारी फैसिलिटी वहाँ पे थी, उनको वहाँ बहुत अच्छा लगता था और वो कभी उन सुख से उन सुविधाओं से बाहर नहीं निकलना चाहते थे। आज हम भी जगत में होते हैं तो हम जगत की कोई चीज़ों से बाहर नहीं आना चाहते। जैसे उकाब का बच्चा घोंसले में होता है तो उसको सब कुछ वहाँ मिल रहता है, उसकी माँ आके उसको खाना खिला देती है और उसको काफ़ी कम्फर्ट होता है घोंसले में, कुछ काम नहीं करना होता है, बस वहाँ पर रह के वो सब कुछ उसको मिल जाता है जो उसको चाहिए। पर घोंसला परमानेंट नहीं होता है, कई बार घोंसला उसके लिए खतरे का कारण हो सकता है, उसकी मौत का कारण हो सकता है, और अगर घोंसले में रहेगा तो कभी उठना सीखेगा ही नहीं। तब उकाब क्या करता है कि घोंसले को हिलाता है, जोरों जोरों से घोंसले को हिलाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चे को नीचे गिराना चाहता है, इसलिए नहीं कि वो उसको मार डालना चाहता है, पर इसलिए कि वो बाहर निकलेगा तभी उठना सीखेगा। परमेश्वर आज हमारे पर यही करते हैं, हम अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, कुछ नहीं करना है हमें, पर परमेश्वर हमें गुलामी में से, हमें जगत में से, और जिन बेड़ियों को हम पहन के बैठे हुए हैं, जिनमें हम अच्छा फील कर रहे हैं, उसमें से बाहर निकालना चाहता है। हमें एक कोने में नहीं रखना चाहता पर ऊंचाई का जीवन देना चाहता है परमेश्वर। इसलिए जैसे उकाब अपने घोंसले को हिलाता है, वैसे ही परमेश्वर हमारे जीवन में विपत्ति देता है। परमेश्वर विपत्ति क्यों देते हैं? देखिए रोमन 5 उसके 3-5वीं आयत देखते हैं कि इतना ही नहीं, हम अपनी विपत्तियों में भी आनंद लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि विपत्ति धीरज को जन्म देती है और धीरज परखा हुआ चरित्र निकालता है। परखा हुआ चरित्र आशा को जन्म देता है और आशा हमें निराश नहीं होने देती, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें दिया गया है परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उंडेल दिया गया है। विपत्तियों के द्वारा हम वो अनुभव पाते हैं, हम विपत्तियों में रहने का सीख जाते हैं। जब भी हमारे पर परीक्षण आता है, कोई विपत्ति आती है, तो उसमें हम जूझना सीख जाते हैं, और परमेश्वर वो विपत्तियाँ इसलिए लाता है कि हम उन विपत्तियों से जूझना सीखे, हम पाप पे, हम परीक्षण पे विजयी होना सीख जाए। इसलिए परमेश्वर ये विपत्तियाँ लाता है कि हम वैसे ही ना रहे पर हम आगे बढ़े, हम प्राउड हो, हम जीवन में कुछ पाए, जगत में बैठे ना रहे। और इसलिए काब अपना घोंसला हिलाता है कि उसके बच्चे बाहर गिरे और उड़ना सीखे। परमेश्वर हमें हमारे कंफर्ट जोन से, हमारे जगत से हमें बाहर निकालते हैं कि हम ऊंचाई का जीवन पाए, हम उड़ना सीखे, हमारे पंख मजबूत हो। जब तक हम अपने पंखों का उपयोग नहीं करेंगे तब तक वो मजबूत नहीं होंगे, ना ही वो उड़ने के काबिल बन पाएंगे। जब तक हमारे पर परीक्षण, विपत्ति और कसौटियाँ नहीं आएगी तब तक हम उसमें से बाहर निकलना सीख नहीं पाएंगे। परमेश्वर जो भी करता है उसके पीछे उसका इरादा होता है। यूसुफ को बेचा गया और काफ़ी कष्ट उसको सहन करने पड़े, काफ़ी विपत्तियाँ उसके ऊपर आई, पर यूसुफ हमेशा परमेश्वर को विश्वासी रहा और
एक दिन वो राजा के समान बन गया। इजरायली लोग जब मिस्र में थे तो उनको गुलामी में से बाहर निकालने के लिए परमेश्वर ने बहुत सारी विपत्ति आई। सारी विपत्तियों में जो परमेश्वर की आज्ञाओं को माने हुए थे उनको परमेश्वर ने बचा लिया। जिन घरों पे परमेश्वर ने बोला था रक्त लगाने को और जिन इजरायलियों ने उस बात को माना वो सारे ही घर बच गए थे। पर जिन लोगों ने इजरायली लोगों में से भी जिसने नहीं माना था उनके घर के बच्चे जो थे उनका नाश हो गया। जो भी परमेश्वर की बात को मानता है वो जरूर सफल होता है। हम विपत्ति में हो तो परमेश्वर एक ही हमारा सहारा है जो हमें बाहर निकाल सकता है। विपत्ति के समय में ये नहीं होता कि परमेश्वर हमें छोड़ देता है, परमेश्वर हमें उसके सामने लड़ने के लिए ताकत देता है। और कोई विपत्ति हमारी सहन शक्ति से बाहर हमारे ऊपर नहीं आती। परमेश्वर जानता है कि किस विपत्ति तक हम लड़ सकते हैं और ऐसी ही विपत्ति वो हमारे ऊपर लाने देता है। उकाब जब अपने बच्चे को फेंकता है नीचे तो वो जमीन तक उसको नीचे टच नहीं होने देता, उसको मरने नहीं देता, उसको कहीं भी किसी भी पेड़ या टहनी से उसको टकराने नहीं देता, पर वो अपने पंखों को खोलकर बच्चा नीचे गिरे उससे पहले ही उसको उठा लेता है और वापस अपने घोंसले में रखता है। और बच्चा इसी तरह से अपने पंखों से उड़ने की कोशिश करता रहता है। जितनी कोशिश करता है उतनी उसके पंखों में जान आती है, उतनी उसके पंखों में मजबूती आती है। और एक बार ऐसा होता है कि वो उड़ना सीख जाता है। परमेश्वर आज हमें उड़ना सिखाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम जगत में बंधे हुए ना रहे पर जगत में से बाहर निकल जाए, हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाए और ऊंचाई का जीवन जीना चालू करे। जब उकाब का बच्चा जब उड़ना सीख जाता है तो वो भी ऊंचाइयों पे उड़ने लगता है, वो भी अपना घोंसला ऊंचाई पे बनाता है। सबसे ऊपर उसका घोंसला होता है पहाड़ियों पे जहाँ कोई नहीं पहुँच पाता, सबसे ऊंचे पेड़ पे वो अपना घोंसला बनाता है। वो ऊपर सबसे ऊपर उड़ता है, पक्षियों में सबसे ऊपर उड़ने वाला उकाब होता है। और उकाब चाहता है कि उसके बच्चे भी सबसे ऊपर उड़ना सीख ले। हमारा परमेश्वर सबसे ऊपर है और परमेश्वर चाहते हैं कि हम भी सबसे ऊपर रहे। और उकाब कब तक ये करता है? जब तक उसका बच्चा जो है वो उड़ना नहीं सीख ले तब तक वो घोंसले को हिलाता है, बार बार उसको सिखाता है। परमेश्वर आज हमें भी जब तक हम उड़ना नहीं सीखेंगे तब तक, जब तक हम जगत में से नहीं निकलेंगे, जब तक हम परमेश्वर के ऊपर अपना सब कुछ उंडेल नहीं देंगे तब तक वो हमें उड़ना सिखाता ही रहेगा। तब तक वो हमारे जीवन में अपना कुछ ना कुछ काम, कुछ ना कुछ परीक्षण दे के वो हमें बाहर निकालने की कोशिश करते ही रहेंगे। हम जल्दी से उड़ना सीख जाए। विपत्ति आती है हमें अनुभव देने के लिए, हमें शांति देने के लिए, और हमें परमेश्वर ट्रेन करने चाहते हैं। जितनी विपत्ति आती है वो परमेश्वर हमें ट्रेन करता है, हमें आगे बढ़ाता है, हमें और ऊंचाई का जीवन देता है। हर परीक्षण के बाद, हर परीक्षण के बाद वो हम में कुछ ऐड करता है। तो जब भी हमारे ऊपर कोई परीक्षण आए, कोई विपत्ति आए या कोई संकट आए तो परमेश्वर की स्तुति करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें पसंद किया है ऊंचाई के लिए और वो हमें ऊंचाई का जीवन सिखाना चाहता है। जैसे पौलुस कहता है कि विपत्ति के द्वारा हमें आनंद होता है क्योंकि हर विपत्ति के बाद ऐसा जीवन हमें मिलता है कि जिससे परमेश्वर को खुशी होती है। प्रभु की स्तुति हो इस बात के लिए। परमेश्वर हमें वो समझ दे, हम जब भी विपत्ति में आए परमेश्वर से दूर ना हो पर परमेश्वर का काम मान के परमेश्वर को संपूर्ण रीति से समर्पित हो के उसके ऊपर हम डिपेंडेंट हो जाए, जिससे कि परमेश्वर हमें सिखाएगा कि इसमें से कैसे बाहर निकलना है। वो हमें नीचे नहीं गिरने देगा, वो हमें उठा लेगा। परमेश्वर पे हमेशा भरोसा करें। परमेश्वर हमें दुख नहीं देना चाहता, बस वो हमें जगाना चाहता है। जब हम जगत में सो गए होते हैं, जब जगत में हम आनंद कर रहे होते हैं, बस वो जगा के और ऊपर हमें उठाना चाहता है, उसके पास हमें लेके जाना चाहता है। परमेश्वर का इरादा हमारे लिए
सभी तरह से केवल अच्छा ही होता है। जो हमारे लिए बेस्ट होता है वही हमारा परमेश्वर हमें देना चाहता है। एक उकाब जो पंछी है वो अगर अपने बच्चों के लिए इतना सोचता है उसके उड़ने के लिए, तो कितना ज़्यादा हमारा परमेश्वर हमारे लिए सोचता होगा। परमेश्वर के विचार हमेशा ही हमारे लिए अच्छे हैं। परमेश्वर हमें सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। एक पंछी अगर अपने बच्चे को प्यार कर सकता है तो हमारा स्वर्गीय पिता हमें उससे कितना ज़्यादा प्यार करता होगा। परमेश्वर कभी हमें विपत्ति में फंसा के दूर नहीं चले जाते, वो हमेशा हमारे साथ होते हैं। बस हमें उनको खोजना होता है, उनके चरणों में रहना होता है और उनको संपूर्ण रीति से अधीन हो जाना होता है। आइए प्रार्थना करें। ऐ हमारे परमेश्वर, आपका शुक्रिया करते हैं क्योंकि परमेश्वर आप हमें पसंद करके हमारे जीवनों में प्रभु आप विपत्तियाँ देते हो, जिसके द्वारा आप हमारे आत्मिक जीवन में और गहराई और ऊंचाई का जीवन प्रदान करते हो। हमारे जीवनों में आप काम करते हो, हमारे जीवनों के लिए आप सोचते हो, हमें आप बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते हो। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमें वो ऊंचाई का जीवन जीने के लिए प्रभु आप हमें सिखाइए। आप हमें विपत्तियों में से गुजारिए कि हम हमारे जीवन प्रभु ऊँचाइयों की तरफ, आपकी तरफ हम लेके जा सकें। प्रभु यीशु के नाम से आमीन।